हेलो चैंपियंस दोस्तों, आज आपने फोड़ दिया होगा तो देखते हैं केमिस्ट्री का सोल्यूशन जो है कितने मार्क्स आते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से लिखना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। जो केमिस्ट्री का कंटेंट हमारे चैनल पे अवेलेबल है और बहुत सारे जो नोटिफिकेशन है गुजरात बोर्ड के जो आते रहते हैं वो मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ। आपके जो कज़िन ब्रदर सिस्टर हैं, ठीक है, जो अभी 11th साइंस में एंटर हुए हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत यूज़फुल चैनल है, तो उनको भी आप बताइए ये चैनल के बारे में और उनको बोलिए सब्सक्राइब करें, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, है ना। क्योंकि एनसीईआरटी को फॉलो करने वाले चैनल बहुत ही कम है, ठीक है। तो ये हमारा जो चैनल है केमिस्ट्री का, एनसीईआरटी को स्ट्रिक्टली हम फॉलो करते हैं, जिससे नीट, गुजसेट, जेईई, गुजरात बोर्ड के पेपर बनते हैं। अभी जो रिसेंटली सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसका भी नोटिफिकेशन, उसका भी वीडियो मैंने बना के यहाँ पे अपलोड किया है। चलिए दोस्तों, तो आज टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, केमिस्ट्री का आपका गुजसेट का पेपर था, जल्दी से एक बार देखते हैं पूरा सोल्यूशन, ठीक है। जो कंसेप्ट बेस्ड होंगे तो उसमें तो हमें याद ही रखना है, जिसमें कहीं ना कहीं मैथ्स है या कुछ लॉजिक है वो मैं आपको समझाता हूँ। विच आर्टिफिशियल स्वेटनिंग एजेंट इज लिमिटेड इन फॉर कोल्ड फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। अब देखो, एस्पार्टेम जो है ना, ये आपने पढ़ा होगा, एस्पार्टेम वो कुकिंग टेम्परेचर पर अनस्टेबल होता है, इसीलिए उसको लोअर टेम्परेचर पर अपने यूज़ करते हैं। तो आंसर हो गया डी। पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ विच डिटर्जेंट। तो दोस्तों, ग्लाइकॉल और स्टेरिक एसिड दोनों अपने नॉन आयनिक डिटर्जेंट प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं, ये भी कंसेप्ट बेस्ड है। दोस्तों, यहाँ पैकिंग एफिशिएंसी का ऑर्डर क्या है? तो एफसीसी में आपको याद होगा, एफसीसी के अंदर पैकिंग कैपेसिटी होता है 74%, बीसीसी में 68 और इसमें 52.3%, सिंपल में। तो आंसर सी मैच कर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट ऑब्टेन बाय हिटिंग ऑफ जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को हिट करेंगे तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट का दोस्तों एग्जांपल हो गया, ये येलो से कलरलेस हो जाएगा, ये आपने पढ़ा होगा। अगेन कंसेप्ट बेस्ड है, ये आपको याद होना चाहिए, आपने कंसेप्ट पढ़ा होना चाहिए। हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है? आयन्स आप फाइंड करोगे सो यू विल कम टू नो, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा आयन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, शायद प्रोबेबली 90% बच्चों ने गलती करी होगी, कि C3COOH के लिए कुछ कंसंट्रेशन दिए हैं और वॉन्ट ऑफ फैक्टर का ऑर्डर पूछा है। तो C3COOH जो है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसके केस के अंदर आई जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोलारिटी, तो आई को मोलारिटी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, समझ आया। तो बिफोर एंड आफ्टर डिसोसिएशन आयंस जो है उसमें फर्क नहीं पड़े, तो आई जो है वो यहाँ पे सेम रहेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? 0.02 मोलर ऑफ NaCl का, NaCl में दो आयन है, मल्टीप्लाई कर दो तो 0.04 हो जाएगा। रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दिया है, कंडक्टिविटी दी है और सेल कांस्टेंट पूछा गया है। तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू के इंटू आर, के 1.29 है, आर 100 है, 129 मीटर इनवर्स आएगा, सेंटीमीटर के लिए आंसर हो जाएगा 1.29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट नर्न्स्ट इक्वेशन फॉर द गिवन इलेक्ट्रोकेमिकल शेल। तो नर्न्स्ट इक्वेशन होता है ई शेल इज इक्वल टू ई नॉट शेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन रिएक्टेंट। अब यहाँ पे अगेन बहुत सारे मेजोरिटी बच्चों ने गलती करी होगी, यहाँ पे Mg से Mg+2 बन रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन, तो जीरो से ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा और कैथोड पे रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर घटना चाहिए ना, तो जीरो से माइनस होगा ना, तो दोनों में आयन प्रोडक्ट तरफ ही है, देखो रिएक्टेंट तरफ कोई आयन है ही नहीं, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? रिएक्टेंट की तरफ देखो ना, कोई आयन का है तो दोनों आयन का कंसंट्रेशन ऊपर आएगा, तो क्या आएगा? माइनस 0.059 लॉग Mg+2 इंटू Cl- का स्क्वायर, तो आंसर डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन अकर एट एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ हायर कंसंट्रेटेड H2SO4।
अगेन कंसेप्ट बेस्ड इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, हायर कंसंट्रेशन जो होता है तो उसके अंदर एनोड के अंदर H2O में से ऑक्सीजन बनता है. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ स्लोप विल बी K/2.303. अब 2.303 लिखा है, मैंने लॉग तो लिया ही होगा तभी तो 2.303 आया, तो ln वाली प्रोबेबिलिटी चली गई. और लॉग आपको पता है, ये इक्वेशन आपको याद होंगे तीन इक्वेशन, KT=2.303 log R0 by RT, तो उसके हिसाब से आंसर हो जाएगा सी. मैंने पूरा समझा दिया है यहाँ पे. चलो 52, विच विल बी द यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट. तो दोस्तों यहाँ पे ए का पावर कितना लिखा है, हाफ, और बी का पावर 3/2. हाफ और 3/2, 4/2 मतलब 2 होता है, तो सेकेंड ऑर्डर के लिए होता है मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, आंसर बी. ए के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर है मतलब पावर 1, बी के हिसाब से सेकेंड ऑर्डर है पावर 2. बी का कंसंट्रेशन जो है दो बार बढ़ा दिया तो 2^2 हो गया, तो 4 टाइम्स आंसर है. फिजिक्स ऑप्शन के लिए पूछा है क्या गलत है, तो फिजिक्स ऑप्शन लिखा है हाई टेम्परेचर पे होता है, मतलब ये गलत है. फिजिक्स ऑप्शन कब होता है, लो टेम्परेचर पे होता है, क्योंकि लो टेम्परेचर पे ही होगा. हाई टेम्परेचर करेंगे तो गैस है वो सॉलिड से अट्रैक्ट, ऊपर से भाग जाएगा दूर, तो एट्स ऑप्शन डिक्रीज होगा, तो लो टेम्परेचर पे होना चाहिए. दोस्तों नेक्स्ट एमसीक्यू में आर्सेनिक सल्फाइड आपको पता होना चाहिए नेगेटिव सॉल है, नेगेटिव का फ्लक्चुएशन करता है पॉजिटिव. हार्डी और सूल्स ने बताया था जितना प्लस चार्ज ज़्यादा उतना फ्लक्चुएशन पावर ज़्यादा, तो इसलिए आंसर ए हो जाएगा. मेंशन परसेंटेज ऑफ सिल्वर, जर्मन सिल्वर में कॉपर जिंक और निकल होता है. नाम जर्मन सिल्वर है इसका मतलब थोड़ी कि सिल्वर होगा, सिल्वर 0% होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग ओर इज नॉट इन ऑक्साइड, मेलिकेट ऑक्साइड नहीं होता, बाकी सब ऑक्साइड फॉर्म में है. प्योर नाइट्रोजन किससे बनता है, तो एजाइड से बनता है. एसिडिक प्रॉपर्टी कौन शो करेगा, जिसमें Mn का चार्ज सबसे ज़्यादा हो, तो Mn का चार्ज Mn2O7 में सबसे ज़्यादा है, तो वही शो करेगा. क्लियर है, कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बेटा लिख देना आप, नहीं तो अपने मार्क्स भी तो लिख देना कितने आए. विच ऑफ द फॉलोइंग आर परोक्सो एसिड, परोक्सो मतलब जिसमें दो ऑक्सीजन कंटिन्यू यहाँ पे कनेक्टेड हो, H2SO5 और H2S2O8 में होगा ये. व्हेन अल्कलाइन KMnO4 इज ट्रीटेड विद KI, जब KMnO4 और KI का रिएक्शन होगा तो KIO3 बनेगा, आंसर बी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से एलिमेंट के अंदर डी में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो गैडोलिनियम 64 नंबर में होंगे. पानी 6 अंदर है और पानी 1 बाहर है, पानी 5 अंदर है, तो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म हुआ है. T2G में 4 है, मतलब नीचे के लेवल में 4 है, तो नीचे के लेवल में पैरिंग हो रही है, तो पैरिंग एनर्जी कम होगी तभी तो पैरिंग होगा, तो आंसर डी आ जाएगा. कौन लिगेंड नहीं हो सकता, NH4+ नहीं हो सकता लिगेंड. अब यहाँ पे अगर केमिकल काइनेटिक्स के सम्स आपने किए हैं एक्सरसाइज के, तो आपको पता होगा कि दो कंसंट्रेशन जो सेम हो उसका रेशियो लेना है, तो उसके हिसाब से पावर निकल के आ जाएगा. तो 1 और 3 करोगे तो ये निकल गया, ये 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हुआ, मतलब 1 आया, तो इसका पावर भी 1 आएगा, इसका पावर 1 आएगा, मतलब 2 आएगा, तो इसीलिए SN2 है ये. समझ आया नहीं आया भाई, क्लोरो को फ्लोरो बनाना है, तो फ्लोरो अल्किन बनाने के लिए स्वार्ट्ज मेथड होता है, आपको पता ही होगा. 280 ml डाइनाइट्रोजन जो है डाइहाइड्रोजन, वो कितने ग्राम इथेनॉल बनाएगा, तो हमें ये पता है, ये इक्वेशन आपको पता है. हाफ हाइड्रोजन का मतलब 11.2 लीटर हुआ, मतलब 11200 ml में 46 ग्राम से बनेगा, तो 280 ml कितने से बनेगा, ये करोगे तो आंसर भी आएगा 69. दोस्तों ये टर्शरी अल्काइल है और सोडियम अल्कोक्साइड, मतलब विलियमसन रिएक्शन हुआ. टर्शरी अल्काइल जो होता है वो जनरली क्या करता है, एलिमिनेशन करता है, तो अल्किन बनेगा यहाँ पर. कॉपर किसका, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब पानी निकालना, टर्शरी में से पानी निकलता है, बाकी सबका डिहाइड्रोजनेशन होता है. इसका कॉमन नेम है एक्रोलीन, वो तो याद करेंगे हम. एसिडिक स्ट्रेंथ नाइट्रो का ज्यादा, क्योंकि नाइट्रो का अफेक्ट माइनस एम होता है और मिथॉक्सी का प्लस एम, तो 1, 3, 2 सी आंसर. कौन केनिजारो नहीं देता, तो जिसमें अल्फा कार्बन पे एच है वो नहीं देता. किसमें हॉफमैन होगा,
CONH2 होना चाहिए हॉफमैन के लिए। सिग्मा बाई कितने हैं? जब BDC करेक्शन फिनॉल से होगा तो देखो ये बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, तो इसमें 26 सिग्मा और 7 पाई है। मिथाइल अमाइन का रिएक्शन HNO2 से करेंगे तो मिथेनॉल बनेगा। ग्लूकोज के लिए क्या गलत है? तो ग्लूकोज फुरानोज नहीं होता, ग्लूकोज पायरेन होता है, पायरेनोज होता है। विच बेस इज नॉट प्रेजेंट इन DNA? तो DNA में AGCT होता है, यू नहीं होता, यू तो RNA में होता है, तो सी आंसर है। वॉट आर टू मोनोमर ऑफ ग्लिप्टॉल पॉलीमर? ग्लिप्टॉल के दो मोनोमर कौन से हैं? तो एक तो है इथेन 1,2-diol और दूसरा है थैलिक एसिड। नॉनस्टिक को कोट करने के लिए टाइफ्लॉन यूज होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे गुडसेट का आंसर की पूरा मैंने आपको बता दिया है, आप इसको स्लो करके भी देख सकते हो, कुछ छूट गया हो तो, कुछ मिस हो गया हो तो, कुछ आपसे MCQ लग रहा है चैलेंज करने जैसा तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखे, मैं आपको उसका सलूशन बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, और मार्क्स कितना है मुझे बता देना आप लोग कमेंट के अंदर। और भी कुछ आपकी क्वेरीज हैं, कुछ पूछना है तो डेफिनेटली मेरा व्हाट्सअप नंबर होम पेज पे अवेलेबल है बेटा। चैनल पे अगेन मैंने आपको पहले ही बोला था, नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, अपने ब्रदर सिस्टर को इस चैनल के बारे में बताना, क्योंकि केमिस्ट्री का NCERT 11-12 का मतलब अप्रोक्स सब अपलोड कर दिया है हमने इस चैनल पे विद NCERT एक्सरसाइज। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक आपके इनकमिंग एग्जाम के लिए, फ्यूचर के लिए, क्योंकि गुडसेट के एग्जाम देने के बाद बच्चे आगे जनरली जो JEE का प्रिपरेशन नहीं करते, तो गुडसेट उनके लिए 12th साइंस का लास्ट एग्जाम था, है ना बेटा? तो बहुत अच्छा लगा आपसे कनेक्ट करके, और आपको भी अच्छा लगा हो, हमारा चैनल जो है आपको डेफिनेटली हेल्प कर रहा होगा। मैं आशा रखता हूँ फ्यूचर में आप बहुत अच्छा करोगे, आपके माँ बाप का नाम जो है, आपके गुरु का नाम जो है, आपका खुद का नाम जो है रोशन करोगे, आपके सोसाइटी को हेल्प करोगे, आपके स्टेट को हेल्प करोगे, आपकी जो यहाँ पे कंट्री है उसको हेल्प करोगे, और दुनिया में बहुत ही अच्छा करोगे आप, लाइफ के अंदर कुछ अच्छा उखाड़ के जाओगे बेटा, है ना? ऐसा मुझे आप पे ट्रस्ट है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, अपना ध्यान रखना, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।